क्या बोलू? वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम झुमकी है। आज मैं चिकन महारानी बना रहा हूँ और लच्छा पराठा। चलिए बनाते हैं। पहले सफेद तेल, तीन बड़ा चम्मच सफेद तेल। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद मैं, मेरे पास छोटा प्याज था तो मैं 6 प्याज बारीक काट ली हूँ। चाहे चॉप कीजिए चाहे स्लाइस कीजिए चलेगा। जब तक ये प्याज हल्का भून जाए तो हल्का फ्राई करना पड़ेगा, तब तक हम मसाला रेडी कर दें। ये मसाला है धनिया, जीरा, सौंफ और छोटी इलायची और जोएत्री, हरी मिर्च और कसूरी मिर्च। ये सबको हम सूखा ड्राई भूज ली है, हल्का से चला ली है। अब इसको हम ददरा पीस लेंगे 1 किलो। बहुत जल्दी बनता भी है और टेस्टी भी है। प्याज थोड़ा सा हल्का फ्राई हुआ है, लाल नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा शैलो फ्राई हो। इस समय चिकन को हम डालेंगे। चिकन थोड़ा सा भूनेंगे। ये दही हमने घर में पा रहे थे, ये दही को थोड़ा सा फेंट लिए। दही जो हम घर में जमाए थे ज़्यादा खट्टा नहीं है, फ्रेश दही लेना चाहिए। और इसमें मैं 4 चम्मच दही दिए, 4 चम्मच दही और हरी मिर्च तोड़ के दे दीजिएगा, तब ये पेस्ट हो जाएंगे। बादाम को हम फुला लिए थे, 4 बादाम, काजू 4-5 काजू और कसूरी मेथी, इसको हम महीन पेस्ट बना लेते हैं। अब अदरक और जिंजर का पेस्ट हम बना लिए थे, 7-8 लहसुन की कलियां और इतना छोटा अदरक, इसको काट के हमने मिक्सी में पीस लिए। थोड़ा से नमक, स्वाद अनुसार नमक, मैं 1.5 चम्मच नमक दिए। अब इसको थोड़ा से फ्राई करेंगे, जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए तब तक हम लोग का चिकन भी आधा डन हो जाएगा और मसाला भी अच्छा से फ्राई हो जाएंगे। पानी का प्रयोग नहीं होता, जो दही और लहसुन अदरक का पेस्ट दूध इसी से बनता है और बहुत टेस्टी। देखिए इस जब इस तरह से हो जाए, आधा डन हो चुका चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक दे के हमने इसको ढक दिए थे मुश्किल से 2-3 मिनट के लिए। अब इसको, अब जो हम सूखा मसाला बनाए थे, अदरक सॉरी जीरा, धनिया, छोटी इलायची, जोएत्री और कसूरी मेथी, जो सूखा हम भुने थे उसका पाउडर देंगे।
ये दरदरा पीसना चाहिए, ये महीन नहीं पीसिएगा। आप इसमें और दही, काजू, आमंड और हरी मिर्च और कसूरी मेथी, इसको एक साथ हमने पीस लिए थे। अब इसको डाल देंगे। इस समय गैस का फ्लेम एकदम धीमे रखिएगा, स्लो में। चिली फ्लेक डाल, अपने स्वाद के अनुसार तीखा ज्यादा कम कर सकते हैं। हमने ये आधा चम्मच दिए। अब इसको अच्छी तरह से मिला के ढक्कन लगा के 2-3 मिनट हम इसको ढक्कन लगा के मीडियम आंच पे 2-3 मिनट। अब इसको हम खोले, पूरा ही डन हो गया है लगभग लगभग। फिर आंच को कम करके इसमें दूध डालेंगे, जितना ग्रेवी चाहिए उतना ही दूध डालना चाहिए, तो हमें ज्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। तो हम आधा ग्लास दूध डालें। इसी समय कैच गरम मसाला पाउडर, हम कैच ही यूज करते, कोई प्रचार नहीं कर रहे। और ये कसूरी मेथी को हम सूखा ड्राई भून लिए थे, उसको क्रश करके डालते। अब इसको मीडियम आंच में 5-10 मिनट पकाएं। 10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। देखिए बन गया। और 13 मिनट में चिकन महारानी तैयार। इस समय इसके ऊपर फ्रेश क्रीम डाल के इसको रेस्ट करने, इसके साथ नान, मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा, क्या क्या पराठा, क्या क्या नहीं है वो सब चलेगा। अब ये हो गया, बंद करके रेस्ट करेंगे, उसके बाद परोसेंगे। अब लच्छा पराठा बना रहे। 1 कप ये पूरा 250 ग्राम आटा है और इतना ही हम मैदा लेते हैं। पूरा मैदा में नहीं बना रहे, अब उतना ही हम मैदा लिए। अब इसमें 1 चम्मच चीनी, 1 कप दूध है, 1 कप पानी, गुनगुना गरम है और तेल, नहीं 2 चम्मच तेल और 2 चम्मच हम रिफाइन ऑयल दे रहे हैं। इसको अच्छी तरह से मॉइल करेंगे। मेरा बेटा जो है परेशान होता है, और खाने के टाइम में पहले यही खाए, इन्हीं को ज्यादा अच्छा लगता है, लच्छा पराठा, बटर नान। तब मेहनत होता है, तब तुम खाते हो। अच्छा हो गया मजा। इसमें नमक और चीनी देते हैं जो बैलेंस करने के लिए, इसमें टेस्ट बढ़ जाता है। थोड़ा थोड़ा
दूध डाल के इसी तरह जैसे रोटी का आटा बना मारते हैं उसी तरह हम लोग आटा को मारेंगे। लोहिया काट लेंगे। फिर लच्छा बना के फ्रिज में 10 मिनट रख देंगे। तो क्या लच्छा जब लच्छा पराठा बनाएंगे तो उसका लच्छा अच्छा से ये किचन टॉप के ऊपर भी आप बेच सकते हैं या पाटा के ऊपर भी बेच सकते हैं अपने अपने सुविधा के हिसाब से। मैं दो किस्म का लच्छा पराठा बनाने सिखाऊंगा जो आपको सुविधा हो वो बनाए। ये हो गया। अब इसमें सफेद तेल यह बटर या घी फुल भी इसी तरह रस करना पड़ेगा अच्छी तरह से। फिर इसमें बटर सही से फैलाना है। जैसे हम लोग बचपन में पंखा नहीं बनाते थे जैसे बचपन में हम लोग कागज से पंखा बनाते थे सेम उसी तरह अंदर की तरफ ये हो गया एक टाइप का। अब इसको हम फ्रिज में 5 मिनट या 10 मिनट के लिए रख सकते हैं। अगर जल्दी हो तो अभी भी बना सकते हैं। अब दूसरा मेथड से सिखाएंगे।
आपको जो अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। बाहर से खाने से तो अच्छा अपने आंखों का सामने साफ सुथरा और हाइजीन का ख्याल करते हुए अच्छा से घर में बना सकते हैं। लच्छा अच्छा निकलता है जब आप इस तरह से करके फ्रिज में रख दीजिएगा, 5 मिनट रख दीजिएगा, तो उसके बाद पराठा बनाइएगा तो बहुत अच्छा लच्छा निकलता है। बहुत इजी है, इस तरह से एक रोल हो गया, फिर इसी में एक रोल और जोड़ दीजिए। जैसे ये रोल खत्म होगा तो इसमें फिर जोड़ दीजिए, फिर ये रोल, फिर इसी तरह, फिर ये लास्ट वाला में से इस तरह से फिर रोल कर देंगे। इसको देखिए हो गया लच्छा, इसको हम रेस्ट करने 10 मिनट डाल देंगे। 10 मिनट हो गया, इसको फ्रिज में रख के और इसमें इसको लच्छा पराठा दे देंगे। देखिए गोल गोल आ गया अच्छा, इतनी आसानी से घर में बन जाता है, बच्चे भी खुश खाते हैं। हो गया तो मैं दूसरा बना, देखिए 1, 2, 3 ऐसे 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 गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर इसको आप कर दीजिए। घर में बनाइए, खाइए।
जरूर कमेंट्स में बताइए, और जो मेरा नया फ्रेंड है वो सब्सक्राइब कीजिए, जो पुराना फ्रेंड है उसको वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि मेरी वीडियो आगे बढ़े।